जब ये पूरा चेन बना हुआ है, भारतीय मजदूर संघ, आरएसएस, उसके बाद बीजेपी और बैठी सरकार केंद्र में बीजेपी है, तो अंडमान के मजदूरों का भला क्यों नहीं हो सकता? सर सबको नमस्कार, मैं प्रदेश अध्यक्ष भारतीय मजदूर संघ एम वीरन्ना, मेरा सहयोगी प्रदेश का आरपी यादव जी उपाध्यक्ष और नॉन इंडस्ट्रियल यूनिट का जो राज्य सरकारी महासंघ अंडमान निकोबार आइलैंड का प्रदेश अध्यक्ष जय जय कुमार डे जी और महामंत्री बीजू पिल्लई जी, आप सबको स्वागत अभिनंदन और धन्यवाद देते हुए आज इस प्रेस वार्ता का मूल कारण आप सबका माध्यम से हाल ही में जो C2 का प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ उसमें कुछ बिंदु और कुछ विषय आया था कंट्रोवर्सी का, तो उसी का विवरण देने के लिए आज आप सबको बुलाया गया और उसका तहत मैं कुछ बिंदु रखेंगे, उसका बाद जैसे आप क्वेश्चन करेगा उसका आंसर जो है मेरी ओर से समय समय पर अपना वापस में देंगे। तो मैं सबसे पहले भारतीय मजदूर संघ पूरा देश का एकमात्र नॉन पॉलिटिकल ट्रेड यूनियन ऑर्गेनाइजेशन है, इसी का चलते आज पूरा देश का नहीं बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा ट्रेड यूनियन वर्किंग क्लास पीपल का बीच में काम करते हुए आज सरकार कोई भी हो हम जो है उसका वर्किंग क्लास पीपल का जब जब गलत काम हो रहा है उसका विरोध करते हुए इसी का नतीजा जो है आज हम देश का सबसे बड़ा ट्रेड यूनियन बन के उभरा। तो उसी का अनुकूल कुछ एग्जांपल भी मैं आपका सामने देंगे, जैसे आप सबको जानता है 2004 में जो ओल्ड पेंशन स्कीम था उस पेंशन स्कीम को जब रोका गया था उस वक्त का स्वर्गीय वाजपेयी जी का भी विरुद्ध बहुत भव्य लाखों संख्या में जंतर मंत्र में विरोध किया था, आपको याद होगा। हाल ही में जो हमारा नवंबर 17 2022 को सेम दिल्ली में भी जैसे हमारा लेबर यूनियन जो लेबर कानून में जो अमेंडमेंट का लेके और डिसइन्वेस्टमेंट को लेके जो है जब सरकार वर्तमान सरकार जो है कदम उठाया था नवंबर 17 2022 को जंतर मंतर में लाखों संख्या में जो है हमारा केंद्रीय नेतृत्व का माध्यम से बहुत बड़ा भव्य विरोध हुआ, आप सब उसको देखा होगा समझा होगा, ये जो है क्लैरिटी आपको आ गया और पूर्ण रूप से जो है भारतीय मजदूर संघ नॉन पॉलिटिकल एफिलेटेड यूनियन है, 11 सेंट्रल ट्रेड यूनियन में एकमात्र भारतीय मजदूर संघ है स्वतंत्र पूर्ण रूप से अपना बलबूत पर किसी पार्टी से एफिलिएशन का बिना काम चलता है। तो जैसे आपका माध्यम से हमें सुना कि हम पार्टी का अधीन है, मैं पूर्ण रूप से खंडन करता हूँ, उन्होंने जाने अनजाने बोला उसका विवेक के लिए मैं छोड़ देता हूँ। अगर उस बात में मैं उनका तरफ से मैं एक बात रखूँगा, अगर मैं सरकार का समर्थक होता था जैसे उनका अनारकली जैसे विलेज में इतना बड़ा जमीन इतना बड़ा बिल्डिंग मुझे भी होता था, मुझे आज किराए कमरा में प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाना और ऑफिस चलाने का जरूरत नहीं पड़ता था, क्योंकि हम जो है पूर्ण रूप से स्वतंत्र है, सरकार कुछ भी हो उसका समय समय जैसे नीति विरोध होता वर्किंग क्लास पीपल का हम विरोध करता, हमारा मूल मंत्र भी है श्रमिक हित उद्योग हित राष्ट्र हित, इसी नारा का लेके भारतीय मजदूर संघ पूरा देश में और अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में भी काम करता है। और एक हमारा नारा है देश के हित में करेंगे काम, काम के लेंगे पूरा दम। और मैं और एक बात बोलूँगा कि आज अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में भारतीय मजदूर संघ आप सबको जानते हैं, समय समय पर आप हर जगह देखते हैं बहुत सारा हमारा यूनिट है स्टेट का और हमारा अन्य जो ऑर्गेनाइजेशन का
तो हम समय समय उसके लिए एकमात्र एग्जाम्पल मैं दूंगा, जो फैक्ट्री एक्ट में रजिस्ट्रेशन है वहाँ से बार बार दो यूनियन का नाम ले रहा था, एक APWD कर्मचारी से और एक जो है पारिस्ट का। पारिस्ट और APWD का जब उनका हाथ से निकलने समय हमारा भूतपूर्व सांसद विष्णु जी उनके लिए संजीवनी बन के चाहे बाराटंग में आपका पारिस्ट वाला यूनियन का धरना मामला में हो, चाहे APWD CE ऑफिस पोर्ट ब्लेयर का सिटी में हो, ये दोनों वक्त आप सबको जानता है, ये इतिहास का गवाह है कि विष्णु जी ने जाके उनका बच्चा के आज उनको मजबूत किया। उसका अलावा मैं फैक्ट्री एक्ट का जो इधर में दो इंडस्ट्रीज फैक्ट्री में है, एक मेरिन विभाग है एक ख्याताम शामिल में, दोनों में भारतीय मजदूर संघ का ही वर्ष कमिटी इलेक्शन में दबदबा है, और कमिटी चाहे ख्याताम बना उनका हमारा बहुत अंतर है, हमारा काम जो है कई स्तर पर है। तो मैं ज़्यादा क्योंकि आपको भी अपना प्रश्न और उत्तर का मैं जाना, इससे पूर्व मैं आपको पुनः स्वागत करते हुए हमारा जो राज्य सरकारी महासंघ का अध्यक्ष जयदेव जी कुछ विषय बोलेंगे, उसका बाद जो है आप अपना प्रश्न और जवाब लेंगे। जवाब प्रश्न और भी आपको जैसे जैसे हमारा जो टीम है अपना विवेक का अनुसूर बोलेगा, यही कहेगा मैं आपका इस प्रश्नवार्ता में स्वागत करता हूं। अब जय कुमार जी बोलेंगे। सभी को नमस्कार। अंडमान निकोबार राज्य कर्मचारी महासंघ का अध्यक्ष होने के नाते हम लोग की पूरी टीम ने और BMS की पूरी टीम ने मिलके यहाँ के जो एम्प्लॉयज़ की जो परेशानी को हम लोग टाइम टू टाइम मिनिस्ट्री लेवल में, अभी भी आपको अवगत होगा कि जो मिनिस्टर आए थे जो डॉक्टर एल मुरुगन जी उनके समक्ष और केंद्र द्वारा जो एडमिशन द्वारा टाइम टू टाइम जैसे मुद्दा हो गया आपका DRMs का रेगुलेशंस रेगुलाइज करने का, जैसे उसमें बहुत सारे विभाग है, APWD के DRMs है 130 है उनको रेगुलाइज का जॉब है, जो काफ़ी 15-20 साल से जो DRM के जॉब में काम कर रहे हैं, अनेम्स का हो गया, सो अनेकों विभाग का हम लोग टाइम टू टाइम जो भी मुद्दा आता है उनको टेकअप करते हैं और उनको प्रॉब्लम को सॉल्व करने का माध्यम से काम कर रहे हैं, और बहुत कुछ इसमें हमारा आश्वासन है कि बहुत जल्दी बहुत सारे समस्या का समाधान हम कर पाएंगे फ्यूचर। तो आप इसके आगे में मैं इसलिए कहता हूँ और कोई भी आपका पॉइंट्स हो इसके आगे अब आप अपना क्वेश्चन को रख सकते हैं। सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा कि हाल ही में जो राज्य मंत्री हमारे माननीय मुरुगन जी आए थे उनके साथ भी बैठक हुई थी और चर्चाएं हुई थी, आप लोगों ने कौन कौन से मुद्दे रखे और उन्होंने आपको कैसे आश्वस्त किया और आश्वासन क्या दिए? हम लोग का पॉइंट्स तो जो डॉक्टर अलमुर्गन से हमारा मिलना हुआ साउथ पॉइंट सर्किट हाउस में उनका बैठक था, करीबन 23 तारीख को आते साथ जो दिन आए थे वो दिन पहला जो हमारा मीटिंग हुआ था BMS के साथ हमारा टीम के साथ में अंडा निकोबार का अधिकारी, उसमें हमारा पहला मुद्दा था जो PWD का बोनस का मुद्दा है, जो केंद्र सरकार ने एक ऑर्डर इशू किया है कि उनको जो है बोनस देना चाहिए, बोनस मिलना चाहिए, तो इस कार्यरत में हम लोग ने एडमिशन से टेकअप किया था और PWD का कुछ अन्य विभाग को जो है वहाँ में एम्प्लॉयज़ को DRM को बोनस मिल गया, पर PWD का एम्प्लॉयज़ का अभी पेंडिंग है, उसको भी हम तत्पर कर रहे हैं। तो ये मुद्दा को मैंने हम लोग पूरी टीम ने केंद्र मंत्री का द्वारा रखा है और दूसरा रेगुलाइज करने का DRM को रेगुलाइज करने वाला, ठीक है, और जो अनेंस है उसमें जो है कॉन्ट्रेक्टर मेडिकल कॉलेज में जो इम्प्लॉयज़ है उनका भी रेगुलाइज इसमें है, रेगुलर करने का बहुत सारा विभाग के द्वारा रखे हैं और आपका DRM और कैजुअल वर्कर्स DRM और APWD, क्योंकि हम लोग APWD को ज़्यादा इसलिए कर रहे हैं APWD का मामला बहुत ज़्यादा है, इम्प्लॉयज़ बहुत DRM उसमें काफ़ी तादाद में है और बहुत बड़ा विभाग है, मतलब DRM और कॉन्ट्रेक्टर 130 जो DRM से उनको लेके, तो DRM का मुद्दा APWD का हम लोग खासकर अलग से भी डिमांड रखा है कि इनको जल्द से जल्दी हम लोग रेगुलाइज करना चाहिए
और कॉन्ट्रेक्टर एम्प्लॉय जो एनकॉल कॉलेज है उसका भी इस बारे में हम लोग बात हुआ है हमारा उनका। एक वर्क स्टडी के लिए भी हम लोग प्रपोजल रखा है कि एक प्रॉपर जो वर्कलोड है एडमिनिस्ट्रेशन में देखा होगा कि अनेक विभाग में एक सेक्रेटरी दस दस विभाग का काम देख रहा है, जिससे बहुत सारा यहाँ हेम्पर होता है। प्रॉपर जो है वर्क स्टडी होना चाहिए, उसके कमेटी बनना चाहिए। ये भी हम लोग सजेस्ट करें कि प्रॉपर जो है सेंट्रल स्कीम में इम्प्लीमेशन में आप देखो अदर स्टेट की तुलना में सेंट्रल स्कीम में इम्प्लीमेशन करने में बहुत दिक्कत आती है और कुछ कैटेगरिया भी होता है जिस वजह से प्रॉब्लम होती है। और जो ऑफिसर्स का या यूटी ओडी का कारण डायरेक्ट जो हम लोग आईएएस ऑफिसर और डेनिस का में काम करना पड़ता है, तो इम्प्लीमेशन में बहुत सारा सॉर्ट आउट करने के लिए क्या क्या विभाग को कैसा होना चाहिए जिससे इम्प्लीमेंट कर एक एक सेक्रेटरी को पाँच पाँच विभाग है वो एक ही विभाग का काम करेगा पाँच करेगा हो नहीं पा रहा है, तो उसके लिए हम लोग एक प्रोग्रामिंग करने के लिए वो भी उसमें उनका प्रस्ताव रखा है। और बहुत सारा हमारा मुद्दा तो बहुत था उसमें लगभग करीबन हम लोग 20-25 मुद्दा था, फिर मंत्री जी ने कहा था कि उसमें से कुछ प्राइवेटाइज कर दो, अब शॉर्ट आउट करके हमको मेन कुछ पाँच छः मुद्दा पहले दे दीजिए कि उसके बाद में फिर मैं आऊँगा, आने का प्रोग्राम होगा तो उसके बाद में फिर मैं फेस मैनर में लूँगा प्रायोरिटी बेसिस पहला प्रायोरिटी भी जो उनको सबमिट कर दिया गया और उसको लेके वो प्रायोरिटीज को लेके एडमिनिस्ट्रेशन में जो कोर कमेटी मीटिंग था मंत्री जी का वो कोर कमेटी में एडमिशन में उनका डिस्कस भी हुआ है। और जो हमारा जो प्रस्ताव है प्रस्ताव पद को लेकर वो दिल्ली भी गए और हमें आश्वासन भी दिया कि इसको कंसल्ट विभाग से कंसल्ट मंत्रालय से इनको टेकअप किया जाएगा और जो भी इनका कंसल्ट में जैसे हमारा यूटी से ज़्यादा यूटी जो होम मिनिस्ट्री का अंडर आता है तो बहुत सारे जो कंसर्न मिनिस्ट्री का थ्रू इनका काम करेगा और पॉजिटिव करेगा और आने वाला टाइम में फिर इसको रिव्यू मीटिंग में इनको लाएंगे। एक और बहुत महत्वपूर्ण सवाल मैं पूछना चाहूँगा और अध्यक्ष जी से भी जानना चाहूँगा इस पर रुख क्या होगा भारतीय मजदूर संघ के, ये DRM का मुद्दा काफ़ी बड़ी मात्रा में है, बेरोजगारी का मुद्दा है। DRM जो भारी तादाद में है, हाल ही में एक बात चली थी कि DRM जो है इनको बिठा दिया जाएगा फ्रेश अपॉइंटमेंट, और जहाँ पे एक डिपार्टमेंट से स्किल सेमी स्किल हाई स्किल इसके तौर पे लोग लेते हैं, अब कोई ऐसे भी कर्मचारी है जिनके 20 साल हो चुके हैं 18 साल हो चुके हैं लंबे समय से DRM में, कोई कोई रिटायरमेंट की कगार पे है, कुछ रिटायर भी हो चुके हैं, तो फ्रेश लेने का मकसद क्या है एडमिनिस्ट्रेशन के? फ्रेश अगर लिया जाता है तो उसको फिर से ट्रेन होना पड़ेगा और आज जो हाई स्किल तक पहुँच चुके हैं तो ये कहाँ तक जायज़ है अगर ये सब करते हैं? और लोग बात जो बात कर रहे हैं इनके पीछे मकसद कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो एडमिनिस्ट्रेशन के उच्च अधिकारी हैं इनका दबदबा तो चल रहा है, अब नीचे लेवल जो है ग्रुप डी कह लीजिए और ग्रुप सी, यहाँ पे भी कहीं मेनलैंड के बच्चों को भी यहाँ पे ला करके टोटल जो है इनका मकसद पूरा हो जाएगा ये लोग बात कह रहे हैं। तो अगर ऐसा होता है तो भारतीय जनता पार्टी का हमारे भारतीय मजदूर संघ का रुख क्या रहेगा इस पर, क्या आंदोलन तक भी जा सकते हैं? आपने अच्छा विषय रखा, आपको विषय ही में बोलने से पहले पूर्व में अगर जाएगा आपके एकमात्र एग्जांपल में दूंगा एनिम्स का जो है, हमारा पूर्व CS ने एक सर्कुलर निकाला था पूरा, जैसे आपने कॉन्ट्रैक्टर लेवर को पूरा वर्किंग क्लास को हटा के प्रेस अपॉइंटमेंट जैसे आपने कहा कोई 10 साल से कोई 15 साल से कोई 18 साल से कार्य कर रहा था आफ्टर सुनामी का बाद मैक्सिमम विभाग में लिया गया था और उसी का चलते जैसे हमें पता चला तुरंत दोनों विकल्प हमने रखा था, एक लीगल विकल्प और दूसरा है जो हमारा ट्रेड यूनियन का जो हमारा संविधान हमें दिया अधिकार उसका विकल्प में लीगल को भी हमने प्रिपेयर हो गया और जो हमारा जो विरोध प्रदर्शन करना पत्राचार करना और हम जो एक एक स्टेप बाय स्टेप जो जैसे शुरुआत जो है ब्लैक रिबन लगना उसका जो है हेनिम्स में जो आपको दिखाई दिया, इवन इतना तक आया हमें अरेस्ट हम सबको अरेस्ट करने का भी MS ने बात किया था आप सबको जानता है, लेकिन उसी का चलते हाँ जो उनका आज जो है उनका जो है जो षड्यंत्र था
ताकि आप जैसे कहा मुख्य भूमि से लाके अपना अपना रिश्तेदार होने दो, अपना अपना गांव का लेने दो, अपना अपना प्रदेश से लेने दीजिए, लाके जो भरने का भात था। जैसे एनिम्स में उनका विषय नहीं चला, प्रशासन केस में भी हमारा पक्ष में निर्णय आया, और जो है हम जो धरना प्रदर्शन विरोध का चलते हुए बहुत व्यापक विरोध होने के बाद प्रशासन को पीछे हटने पड़ा, उसका वजह से अन्य विभाग में भी इसका जो रुखाना पड़ा। नहीं तो आज जो है जैसे एनिम्स में अगर सक्सेस हो जाता था, आप जैसे कहा आज तक जो है उनका मकसद पूरा हो जाता था। इसका मैं समय समय पर पूरा प्रदेश भारतीय मजदूर संघ उनका तमाम यूनिट ने जहाँ भी इस तरह विषय आता तुरंत जो है हरकत में आता अपना जो पत्राचार, क्योंकि हम जो है पहले करस्पोंडेंस पे ज़्यादा भरोसा करता है, क्योंकि करस्पोंडेंस ऐसी जो हथियार है आपको जब भी वो सच्चाई सामने लाएंगे और एक आपके लिए हथियार बन के हमेशा रहेंगे। और रहा बात जैसे आपने कहा इतना बड़ा सफलता प्राप्त होने के बावजूद भी हमको कभी पब्लिसिटी लेने का शौक नहीं है, इसलिए हम लोग कभी बड़ा विषय होने से ही जैसे आज जैसे आपको बुलाया हम लोग करता है, उन जैसे हमको पब्लिसिटी का शौक नहीं, हम ये सेवा समझ के काम करता है। जैसा अभी आपने जो भी कहा, तो जैसा आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस स्टार्ट किया, आपने CITU का नाम लिया, सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियंस, तो जैसे इस 24 दिसंबर को उन्होंने जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, और उसमें उन्होंने ये बात जाहिर की थी कि जितनी भी DRM वर्कर्स हैं, जितनी भी डिपार्टमेंट के, तो उन लोगों ने ही आवाज़ उठाया है। तो हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि PWD ऑफिस के सामने, सी ऑफिस के सामने हमने कई बार देखा है, इवन LFT ऑफिस के सामने देखा है, और हमने खुद जाकर वो न्यूज़ कवर भी किया है, तो वो लोग हमेशा उनके साथ खड़े रहते हैं। तो आखिर ये क्या बात है, जब वहाँ पर जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था तो उन लोगों ने BMS का नाम उठाया था, इसके बारे में आपका क्या कहना है, और क्या वाकई में उन लोगों ने ही जितने भी DRM वर्कर्स हैं उनका सपोर्ट में आकर उन्हें न्याय दिलाया? जी आपने जो विषय रखा अभी PWD के विषय पे बात आई थी, चर्चा हुई थी, इस पे सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा कोई भी चीज हो एक पक्षी ना रहे पूरा जो है क्लैरिटी के साथ आपके समक्ष रखना चाहता हूँ कि ये जो मुद्दा जो शुरू हुआ था, ये मुद्दा शुरू हुआ था 2016 में CITU के ही माध्यम से एक कॉन्सेशन केस बना था लेबर कमीशन ऑफिस, वहाँ से रेफर हो गया था लेबर कोर्ट में, तो वहाँ से लोक अदालत में, वहाँ से जब उनको एडमिनिस्ट्रेशन ने अपना पक्ष रख दिया था कि हमारे पास फंड नहीं है, हम इसको स्वीकार नहीं कर सकते हैं, तो मामला समाप्त वहीं पे हो गया था, और सारा जितना धरना प्रदर्शन सारे चीज समाप्त हो गए उस कगार पे आकर रुक गया था जहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन ने कह दिया कि हम नहीं कर सकते, हमारे पास फंड की कमी है। वो परिस्थिति में ये जब ये 1/3 का मुद्दा सारे जगह से उठे, उसके बाद जो है हमारे माननीय सांसद उस तब के तत्काल माननीय सांसद विष्णु प्रधान जी ने इस विषय को संसद में उठाए, सारे जितने भी पत्राचार के लिए उनको जरूरत पड़ा था उस समय हमारे जो हमारे संगठन से जुड़े हुए हैं ये वे सारे कर्मचारी उस समय लेके जाकर माननीय सांसद के कार्यालय में जाकर सारे पत्र सौंपा और सारे चीज़ उनको दिल्ली भिजवाए, उनके इंटरफेरेंस से और तत्कालीन सरकार के जो हमारे यहाँ पे मुखी साहब थे, मुखी साहब की उपस्थिति में आज हमारे जो अध्यक्ष है उस समय के जिला परिषद अध्यक्ष हुआ करते थे, उनके इन सभी का एक सहयोग रहा है, ये पूरे कार्य में किसी एक व्यक्ति का नहीं था, क्योंकि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में और आपके जो न्यूज़ चैनल से जो विषय बाहर निकल गया उसमें एक ही बात था कि सिर्फ और सिर्फ एक संगठन के कार्य से ये चीज़ जो है उनको फ़ायदा हुआ, नहीं है, ये सच्चाई में हमें जो है जनता को बताना, आपको सबको ये चीज़ सूचना देना था, इसीलिए हमने आज का ये प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, क्योंकि इसका शुरुआत कहाँ से हुआ, अंत कहाँ जाके हुआ, इस कगार में पिछले 2 साल से, अगर अभी ये 3 महीने का समय की अवधि को अगर हम बैठा दें, उससे पहले के पूरे कालावधि में हमारा पत्राचार और हमारा जो करस्पोंडेंस कंटिन्यूस चल रहा है मिनिस्ट्री लेवल से लेकर एडमिनिस्ट्रेशन लेवल तक में, इसमें कहीं उस लोग सीन में नहीं थे, पिछले 3 महीने से जैसे ही उनके हाथ में बोनस मिलने का कगार आया तुरंत जाकर धरना करके सारे चीज़ को तेल कर दिए, आज अदरवाइज जो है सारे मजदूरों को PWD के बोनस मिल गया होता,
हम किसी को गया कि आपके घर में भी हो, किसी के घर में जाके गाली गलौज दे देने से कोई चीज नहीं हो जाता है। हमें टेबल टू टेबल बैठना है, बात करना, चर्चा करना है, चर्चा करके समाधान निकालना है कि हम राष्ट्रहित में कार्य कर रहे हैं। हम किसी एक व्यक्ति के विरोध में उनको गाली देना इससे नहीं होता है। उसका भी अपना आत्मसम्मान है, वो उस पद में कार्य कर रहा है, लेकिन उसका निजी कोई स्वार्थ नहीं होता, निजी कोई निर्णय नहीं होता है। सरकार के जो निर्देश है उसको पालन करने के लिए जो भी तरीके अपनाते हैं उसको अपने फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करके पूरा करना होता है, लेकिन इसके बीच में जाकर गाली गलौज करना, ये सारी चीज जो है बहुत ही हम इसका खंडन करते हैं, क्योंकि कोई भी अधिकारी जो कार्य कर रहा है हम उसका साथ है, लेकिन अब वो गलत हो रहा था हम उसका विरोध करते हैं, विरोध प्रदर्शन भी हुआ है, सारी चीजें। ऐसा नहीं कि हमने कहीं नहीं कुछ, सारे पत्राचार हमारे पास है, क्योंकि आज इतने सारे डीआरएम का जो केस जीता बोला उसके बाद उन्होंने क्या किए, केस में गए। अब ये केस में नहीं जाता तो सारे एम्प्लॉयज को मिल गया होता, इन्होंने केस में गए और आज बोल रहे कि हमने केस में जीत गए। आप बता दीजिए जिस बेंच से ये चीज सीधा सर, पहले सिंगल बेंच में जीते इन्होंने केस कि सबको वन थर्ड फ्रॉम द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट का था, वो होने के बाद में डिविजन बेंच से आज ये निर्णय आया और उसके लिए भी कौन है जिम्मेदार। हमने भी अपने तरफ से ये चीज जो है सीईओ से लेके सेक्रेटरी पीडब्ल्यू हर जगह हमने भी अपने विषय रखे कि आप ये ड्रैग जो कर रहा है, क्योंकि आप प्रेजेंट नहीं हो रहा है, आप उनका एफिडेविट फाइल नहीं हो रहा, उसके चलते क्या हुआ उन पे फाइन लगाए सारी चीज, उसके बावजूद भी उनको मिलना है, कर्मचारी को उसका बेनिफिट मिलना, उसके लिए फिर हमने एक मजदार का बीच का रास्ता निकाला, वो था कि वो 2017 जिस दिन सर्कुलर आया 239 जो अप्लाई हुआ वहां से कम आप करके दे दीजिए। तो ये सारी चीज तब जाकर प्रशासन कोर्ट में ये विषय को रखा कि ठीक है हम 2017 से दे देंगे, क्योंकि ये निर्णय ऐसा नहीं कि जीत के आगे, ये निर्णय हम लोग सभी एक मंथन होते हुए रखा, जब वो चीज को जो कोर्ट में रखा गया तब जाकर डिवीजन बेंच से ये आया कि अब 2017 से आपको सबको दिया जाएगा। अब सोच के देखिए जो व्यक्ति कह रहा था कि इनिशियल अपॉइंटमेंट से मिलना है और सरकार का एक अनुरोध पे न्यायालय ने दिया 2017 से, तो क्या केस उन्होंने जीता है, तो केस हारे हैं वास्तव में, लेकिन उन्होंने अपनी हार को स्वीकारता नहीं किया बल्कि उसको ढिंडोरा पीटा। लेकिन हमने भी कई केस जीते, सारे चीज लड़ाई हम भी लड़ रहे, लेकिन आज तक हमने कभी ढिंडोरा नहीं पीटा, क्योंकि कर्मचारी का हित में कार्य करना है, राष्ट्र हित सर्वोपरि रखते हुए कार्य करना है, यहाँ पे वो चीज नहीं था, इसीलिए हमने अपने विषय को, लेकिन साथ में उन्होंने जिस वे में रखा भारतीय मजदूर संघ और उसके साथ आंदोलन संगठन सभी के विरोध में उन्होंने जो विषय रखा, इसीलिए हम आज मजबूर हो गए आपके समक्ष, अदरवाइज हम नहीं आते थे आज आपके समक्ष। ठीक है, उसी विषय का आगे बढ़ते हुए आपको याद होगा प्रोफेसर जगदीश मुखी जी ने जिस वक्त इधर भोपराज उखल था, आपको याद होगा मीडियम पॉइंट से भव्य संख्या में इसी पीडब्ल्यू का एम्प्लॉयज के लेके हम खुद यूनिट का प्रेसिडेंट होने के नाते भव्य जुलूस लेके गया राजभवन, तो मुखी साहब ने संयुक्त बैठक बुलाया सेक्रेटरी लेबर और लेबर कमिश्नर पूरा प्रशासन के अधिकारी के साथ, हमारा भी उस वक्त प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान विशाल जी, सांसद श्रीमान विष्णु बद्राय जी और अन्य संगठन जो है साथ लेके जब गया था भव्य संख्या में, आपको याद होगा, आप सबको याद होगा, पूरा पोर्टवेयर जनता को भी याद है, तो उसमें निर्णय लिया गया जो विभाग में एग्जिस्टिंग वैकेंस जीतना है उन तमाम जो है वन थर्ड कर देना और जैसे जैसे वैकेंसी क्रिएट होते रहेंगे सीनियरिटी का इस अकॉर्डिंग टू सीनियरिटी के हिसाब से आगे चलते रहेगा इस कार्य करके। जिस दिन मुखी साहब को मैं इसलिए मुखी साहब को आपका माध्यम से बहुत बहुत धन्यवाद देता है, ये मुखी साहब का दिन है, लेकिन उस वक्त भी आपको अगर चाहिए तो हम लोग अपना बड़प्पन के लिए बुला सकता था प्रेस कॉन्फ्रेंस, लेकिन हम मेरा ये दायित्व है कि हमको इसलिए पद दिया जाता है कि आप सेवा भावना से काम करो, आप नाम कमाना या तो संदा का रूप में हम संदा लेने के लिए यूनियन नहीं चलाता, ये मैं संगठन का दायित्व है और संघ का एक विचारधारा संगठन के एक विचारधारा के चलते हम लोग काम करता है, उसी दायरा में हम लोग एक काम करना, उनका तरह जो है हमको पब्लिसिटी पाने का शौक नहीं है। सर आप लोग ये स्टेप क्यों नहीं उठाते, लोग हर डिपार्टमेंट में जो है डीआरएम स्टाफ ले रहे हैं, कुछ एमपीएस के ले रहे हैं, तो परमानेंट स्टाफ के लिए आप कुछ कदम क्यों नहीं उठाते, क्योंकि पोस्ट तो सर सारे डिपार्टमेंट में जो है वो खाली पड़ी है सारे डिपार्टमेंट में, और ये चीज सबको पता है, करीबन जो है अभी एलजीसी की जो एग्जाम निकली थी वो बहुत जो पुरानी जो पोस्ट है वो अभी निकाली गई, तो आपको क्या लगता है इस पर विषय पर आपको आवाज उठानी चाहिए। एक्चुअली इस विषय पे मैं आपको, क्योंकि अभी 24 से आज 27 तीन ही दिन बीता है, इससे पहले ही सारे विभागों का अभी जितने भी चयन हो रहे हैं सारे प्रक्रिया में अभी आपको दिखेगा कि कुछ विलंब हो रहा है, कारण एक ही है क्योंकि कोई भी पद 2 वर्ष से अधिक जब नहीं भरा जाता या उस पद के अगेंस्ट में जब तक उसका तनख्वाह नहीं निकाला जाता है वो पद डीम्ड एबोलिश के जो कंडीशंस है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के उसके तहत आ जाती है।
उसके तहत अंडमान के मेजोरिटी ऑफ पद, क्योंकि हायर ऑफिसर्स जो पोस्ट है गजेटेड हो, उसमें सीडीसी का नॉर्म्स अपनाया गया, उसके चलते क्या हुआ, लोअर पोस्ट के वो सैलरी ड्रॉ किए और हायर पोस्ट का सर्विस डिलीवर किया, तो इसके चलते क्या हुआ, उनका सैलरी नहीं होने के कारण वो जो है अपना पोस्ट को बचा नहीं पाए। अभी कुछ कुछ पोस्ट के जो है शायद यूपीएससी भी गए थे, वहाँ से भी डीम डेमोलिश का कंडीशन के साथ वापस आ गए हैं। तो हमने इस संदर्भ में अंडमान निकोबार में, क्योंकि कोविड के चलते दो साल से, और कुछ ऐसा सर्कुलर भी आए थे कि ऑल कैप्टन अबेंस, तो उसके चलते जो है कोई भी काम नहीं हुआ था। तो अभी हमने ये अनुरोध किया है मंत्री जी के समक्ष भी कि अलग से एक पत्र उनको दिए हैं जिसमें ये मंत्रालय से ये एक ब्लैंकेट अप्रूवल दे दे। ब्लैंकेट अप्रूवल मतलब हर पोस्ट का नहीं, तो अगर हर पोस्ट का जाएगा तो उसमें जस्टिफिकेशन के साथ में हर पोस्ट का देना होगा क्यों आपने इतना साल अपॉइंटमेंट नहीं किए, और कोविड ये सारी चीज़ें जो हुए उसके कारणवश हमने ये अनुरोध किया कि आप एक ब्लैंकेट अप्रूवल दे दो, जो 1986 में दिया था राजीव गांधी के कालखंड में, एक बार यही सेम सारे पोस्ट फिल करने के लिए जो आदेश दिया था उसमें एक बार जो है ब्लैंकेट अप्रूवल दिया गया था कि सारे पोस्ट को जो है जितने भी है वो रिवाइवल माना जाए इस लेटर के बेस में। सिमिलर एक हम अभी हमने अनुरोध किया है मंत्री जी के माध्यम से कि यही अपनाया जाए ताकि सारे पोस्ट को फिल किया जा सके। और दूसरे आपने जो कहा डीआरएम का जो विषय है, डीआरएम उस समय लिया गया जब उनका एक्सीजेंसी था, उन्होंने अपना 10 से 15 साल सेवा दे दिया और उनके बच्चे फैमिली सेटल हो गए, उनके बच्चे हैं, बच्चे स्कूल पढ़ रहे हैं, कॉलेज पढ़ रहे हैं, आज आप बोल रहे हैं डीआरएम को पोस्ट फिल करेंगे और डीआरएम को हटा देंगे, वो कहाँ जाएगा? क्या समाज में इनसिक्योरिटी नहीं आएगा? समाज के जो आज जो ताना बाना बना हुआ ये बिगड़ने की संभावना नहीं है? तो इसीलिए हम बार बार अनुरोध कर रहे हैं कि जितने हैं उनको आप ऑन टाइम रिलैक्सेशन में रेगुलाइज कर खत्म कीजिए, उसके बाद में आपका जितना रिक्रूटमेंट जो भी करना आप कीजिए, क्योंकि वैसे भी ऑनलाइन में सारे जगह बाहर से आ रहे हैं, तो कम से अंडमान के बच्चे जो इस द्वीपों को बचाया है उसने, और पीडब्ल्यू का विशेष तौर पर आज हम जो चेहरा देख रहे हैं अंडमान का, इतना विकसित जो रूप देख रहा है, इसका कारण कौन है? क्योंकि ये सारे पाइपलाइन से लेकर रोड से लेकर बिल्डिंग से लेकर सारे चीज़ों का कंस्ट्रक्शन अगर कॉन्ट्रैक्टर किया तो मेंटेनेंस हमारे भाई किए हैं। तो उस चीज़ को जब तक हम ध्यान नहीं देंगे, और वो सारे चीज़ आज मेंटेन हो के चल रहा है क्योंकि यहाँ पर लेबर आज काम कर रहा है डीआरएम में, अब उनको रेगुलाइज नहीं करके उन्होंने अपना जीवन दिया और उसके बाद नया एक को लेके आने का अगर तात्पर्य आता है तो कहीं ना कहीं इनजस्टिस नहीं हो रहा है क्या? कल को हम नहीं कहेंगे कि माँ ने हमें क्या दिया, कि उन्होंने उसी स्तर पर काम किया है, भले ही उनको तंका दिया गया लेकिन उस दिन अगर वो नहीं होता, सिमिलर जो कोविड कालखंड में जो हुआ, मेडिकल कॉलेज के स्टाफ बच्चे अपने पेरेंट अपना छोटा ब्रेस्ट फीडिंग बच्चों को घर पे छोड़कर ड्यूटी किया था, उतना तकलीफ उन्होंने सहा, उसके बाद में एक दिन आगे आदेश की नो एंडलेस एक्सटेंशन टू ऑल कॉन्ट्रैक्चुअल एंड डीआरएम एम्प्लॉइज, क्या ये न्याय संगत है? आप लोग भी इसमें थोड़ा सा मंतव्य, आप लोग भी अपने तरीके से इसको विवेचना कीजिए कि ये क्या हमारे अंडमान के लिए सही है क्या गलत है। हमने आज तक सत्य का पक्ष रखते हुए हमने अपने विषय को आगे रखा है, आगे भी आने वाले कालखंड में जो है इस मुद्दे को बहुत एक आंदोलन का तैयारी कर रहा है कि प्रदेश स्तर पर हम सभी से चर्चा चल रहा, सारी चीज होने के बाद में इस पे जो एक निर्णय बहुत जल्द आपके समक्ष आएगा। ठीक है सर, मैं इतना तो समझ गया हूँ कि जो विषय आज आप लोगों ने रखा है वो इसलिए रखा है कि सीआईटीयू ने आप लोगों का नाम नहीं लिया या तो अन्य संगठन का नाम नहीं लिया, सिर्फ पूरा का पूरा श्रेय अपना ले लिया। आप कह रहे हैं कि आप लोगों की इसमें भागीदारी है, मैं इसमें एक सवाल रखना चाहूंगा, भारतीय मजदूर संघ की क्या है पहचान? त्याग, तपस्या और बलिदान, ये आपका ऑफिशियली इसमें लिखा हुआ है। और मैंने जो डाटा चेक किया 23 जुलाई 1955, इसमें आपका भारतीय मजदूर संघ इस भारत में स्थापना उसका हुआ था और शुरू हुआ। आप मुझे बता दीजिए, कम से कम 67 साल 5 महीने और 21 दिन हो गए आज को मिलाकर, भारतीय मजदूर संघ ने अंडमान निकोबार के मजदूरों के लिए 5 कौन से बड़े काम कर दिए? अंडमान निकोबार द्वीप समूह के मजदूरों के लिए भारतीय मजदूर संघ ने 67 साल 5 महीने और 21 दिनों के कौन से बड़े 5 काम कर दिए जिसमें आप कह सकते हैं कि हाँ हम लोगों ने मजदूरों के लिए काम किया है? पहले काम आपको याद होगा, हमारा विद्युत श्रमिक संघ जो है विद्युत विभाग में 511 का जो डेलीगेटेड को निकाल दिया गया था, उस वक्त विद्युत श्रमिक संघ गठन हुआ। उसका बात जब कोर्ट, उसमें धरना प्रदर्शन भी हुआ और कोर्ट में भी लीगल एक्शन भी हुआ था, उसका चलते जो है 511 का विभाग हुआ था। उसका बाद सिर्फ विभाग नहीं हुआ, ओल्ड पेंशन स्कीम का फिर लीगल एक्शन कंटिन्यू रखते हुए सिर्फ और सिर्फ ओल्ड पेंशन स्कीम 50% जो कार्यकाल डेली रेटेड का मानते हुए, जो सर्विस 2004 का जो जनवरी का मानते हुए ओल्ड पेंशन स्कीम विद्युत में लागू हुआ और उसका ईपीएफ भी रिफंड हो गया था
पहले काम। उसका दूसरा काम हाल ही में IPNT का, जो आप सबसे बड़ा काम बोला, जो IPNT में जो 23 को जो कानून कार्रवाई में लड़ाई करते हुए और वार्तालाप मंत्री का स्तर पर और डायरेक्टर का स्तर पर सेक्रेटरी की तरफ करते हुए उन 23 को भी रेगुलाइजेशन का आर्डर आपको पास मालूम है। 23 का 23 जो है 29 जो है 29 का 29 रेगुलर हुआ। उसी तरह दूसरा कदम में जाएंगे तो आप हमारा जो छतम शामिल में जो आपको आज हमारा आपका सहयोगी और हमारा अनुप दत्ता जी जो वहाँ का यूनिट का अध्यक्ष है, आज छतम में जो रख रखाव हुआ और उसका जो भी करस्पोंडेंस का श्रेय दत्ता जी को जा रहा है और जैसे दत्ता जी वहाँ का जिम्मेवारी लिया, आज आप फील्ड में जाइए छतम शामिल में वहाँ का वर्कर के पूछिए कि ये किसका बदलत इतना बड़ा परिवर्तन है। और आज जो है प्योर एंड प्योर का जो प्रमोशन का विषय ले लीजिए, क्वार्टर का अलाइनमेंट विषय ले लीजिए, वेलफेयर फंड का ले लीजिए, सारा का सारा हो गया। और व्यापक स्तर पर जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, खास करके आपका कोड़ियाघाट एक्वा कल्चर्स जो फैक्ट्री एक्ट में आप जब सीरियट अप जाने वाला रास्ते में राजीव गांधी एक्वा में कोड़ियाघाट वहाँ में हमारा यूनिट है 66 का 66 जो है हमारा यूनिट है। वहाँ में हम उस वक्त मेरा दत्ता जी मीडिया में नहीं थे, उस वक्त अपना पहले स्टार्टिंग मीडिया थे, एकमात्र चैनल था यूट्यूब चैनल। तुरंत जो है हम लोग जैसे वो ये सप्ली में होता था तो उसको निकाल दिया, अगला दिन गेट में आना नहीं बोला था। जैसे हमें पता चला तुरंत हम पूरा टीम उस वक्त का आदरणीय अशोक जी, मैयर जी, हम, दत्ता जी सब तुरंत जो हमारे वर्तमान महामंत्री सुनील जी सबका सब उस वक्त हम लोग गेट में पहुंचा। जैसे तुरंत धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया तो उस वक्त का हमारा यूनिट का वहाँ का जो हमारा जिला परिषद अध्यक्ष कपित बीबी उन्हीं का कलीगढ़ का बेटी थी वो भी हमारा साथ दिया। तो हम सब जब धरना प्रदर्शन हुआ पूरा दिन भर वहाँ डटा था। जब 12 बजे के बाद जब मैंने भी वार्तालाप हुआ उसका दबाव में चलते पूरा का पूरा आज जो है वहाँ बहाली हो गया। आज पूरा उनको जो इंडस्ट्री वर्किंग फैक्ट्री एक्ट में जो भी सुविधा मिलना वो मिलते हैं। चाहे तो आप कल ही वहाँ विजिट करिए, वहाँ का हमारा स्टेट सचिव और उनका यूनिट का महामंत्री सुनील कुमार है आपको बताएंगे और पूरा पूछना, एक एक कर्मचारी को आप पूछना। ऐसे बहुत सारे विषय है हम लोग आपको एग्जाम्पल दे सकता। तो हमेशा जैसे जैसे समय बढ़ता है हम लोग काम समय रहते हैं आप लोगों ने काम किया, मैं समझ गया सर। मैं इसमें और एक डाटा पूछना चाहूँगा कि देखिए जितना पुराना संगठन होता है लोगों का जुड़ाव उतना ज़्यादा होता है। 1955 से आप लोग हैं, आपके ऑफिशियल डाटा मैं बता रहा हूँ, 62,15,797 ये आपकी ऑफिशियल डाटा बताती है, इतनी मेंबरशिप आपकी है। लेकिन CITO आपके काफ़ी बाद आया, 1989 में आया, उसके 60,40,000 जो है उनके अपने हैं। हाँ जी, AITUC का अलग है, AITUC के डाटा अलग है, वो तो पुराना जाता है। मैं करेंटली CITU का बोल रहा हूँ, 60,40,000 है। इंटेक का 33,95,00,000 है। तो इसको हम लोग क्या समझे, मजदूरों का रुख आपकी तरफ में क्यों नहीं है, या तो नए आए संगठन की तरफ में लगभग डाटा बन रहा है और जो पुराना संगठन है 1947 का इंटेक का उसमें तो करोड़ों में लोग जा रहे हैं, क्या वजह है ऐसी कि मजदूर कहीं दूर तो नहीं हो रहे आपसे? नहीं, आपका वर्तमान में अगर लेटेस्ट डाटा आप अपडेट लेंगे तो ये आपकी ऑफिशियली डाटा आज का मैं बता रहा हूँ, आज का करंट डाटा का मैं बता रहा हूँ, वो वेबसाइट में अपडेट नहीं हुआ वो बता रहे हैं, ठीक है। इसलिए न्यूज है, जितना हम जो भी नेशनल लेवल में अधिवेशन होता एजुकेटिव मीटिंग में जाता हम जितना जाने और पूरा देश भर में जो सेंट्रल ट्रेड यूनियन का एक्ट को हम समझे उसमें जो है आज का दिन में भारतीय मजदूर संघ ऑफिशियली बड़ा यूनियन है। इसलिए उसका चलते हुए जो सेंट्रल गवर्नमेंट का जितना गवर्निंग बॉडी होता है EPF एम्प्लॉय कमीशन का जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होने दीजिए, चेयरमैन होने दीजिए, ILO को रिप्रेजेंट होने दीजिए, भारतीय मजदूर संघ ही सेंट्रल गवर्नमेंट का ऑफिशियली रिप्रेजेंटेटिव है क्योंकि इसका निर्णय जो है हाइएस्ट जो संख्या होता है उसका आधार पर ही लिया जाता है। केंद्र सरकार सीधे इसकी निगरानी कर रहे हैं, आप लोगों का सीधा उनके साथ में ताल्लुकात है। सर इसमें मैं एक बात जोड़ना चाहूंगा, क्या आपका BMS दत्तोपन टेंगड़ी जी के आदर्शों पर चल रहा है, आज भी चल रहा है? Absolutely. चल रहा है, ठीक है। दत्तोपन टेंगड़ी जी ने एक नारा दिया था, देश के हित में करेंगे काम, काम का लेंगे पूरा दाम, आपने जैसे पहले शुरू में बताया। तो मैं पूछना चाहूंगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जो कॉन्ट्रैक्ट स्टाफ है
एपीडब्ल्यूडी का हो गया, मेडिकल स्टाफ हो गया, डीआरएम के, प्राइवेट में जो टीचर्स काम कर रहे हैं, सिक्योरिटी गार्ड है, और छोटे दुकानों में काम करने वाले जितने भी मजदूर हैं, इसके लिए आप लोगों ने कौन सा बड़ा कदम ले लिया? उसके लिए मैं आपको करीब एक 10 साल का पीछे 2011 का 12 का इतिहास बता दूंगा। अनारकली सेक्टर में, जैसे क्वारी सेक्टर में हमारा बहुत बड़ा कार्य होता था, जब क्वारी अच्छा तरह चलता था, वो क्वारी कर्मचारी संघ जब क्वारी में पत्थर तोड़ने टाइम जब वो पत्थर गिर के मर गया था, उस वक्त का ले लीजिए, और एक जेटी लेबर जो है हमारा सतीश शिपिंग एजेंट्स का, जो राड गाड़ी में जब बीच बाजार अबडीन से गुजर रहा था, आप लोग का याद होगा कि अन्नपूर्णा के सामने जब ट्रक पलट गया, दो लेबर जो है राड गिर के मर गया। आपको याद होगा पहले बार शक्ति शिपिंग का सामने पूरा पूरा प्रदेश भारतीय मजदूर संघ जो है धरना प्रदर्शन करके, जब तक दहन संस्कार भी रुके, जब तक चेक दिया, उसके बाद दहन संस्कार के बॉडी अपना मुख्य भूमि में पहुंचाने तक जब बात नहीं हुआ, तब तक पीएमएस ने पीछे नहीं हटा, और उस पर इतना दबाव आया था, हम ही उस वक्त का महामंत्री हुआ करता था, तो इतना दबाव होने के बावजूद भी उस परिवार भी हमारा साथ खड़े थे। ऐसे बहुत कार्य किया। नहीं, इसमें हकीकत तो ये है ना सर, सिक्योरिटी गार्ड को हॉस्पिटल में लिया जा रहा है और कचरे की चर्चा उठा के फेंका जा रहा है, कोई पूछने वाले नहीं। 4-5 महीने से जीबी बंद में सिक्योरिटी गार्ड नहीं है, उनको पेमेंट नहीं मिल रहा है, बाहर से कॉन्ट्रैक्टर आते हैं, किसी को ईपीएफ नहीं मिल रहा है, प्राइवेट जो हमारे मेडिकल में जो स्टाफ काम करते हैं, कई साल से काम कर रहे हैं, उनको कोई पूछने वाला नहीं, डीआरएम को पूछने वाला नहीं। इन बड़े बड़े विषयों पे आपने क्या चीज किया है? नाम मात्र के लिए, मतलब सिर्फ उनको किसी एक छुट्टी आ गया, कोई फेस्टिवल आ गया, तब बोलते हैं कि हमारे मजदूर है। उसके अलावा मे डे में मजदूरों का स्वागत होता है, उसके अलावा बाकी सारे दिन उनके लिए ड्राई डे है, ब्लैक डे चल रहा है, इस विषय में क्या कहेंगे? मैं दूंगा, आपको याद होगा आईटीआई में जो सिक्योरिटी एंगेज किया करता था, उसका वेतन कई दिनों से बैलेंस था, दिया नहीं था जो सप्लायर ने, तो हम जैसे अपना संगीन में आया, तुरंत लेबर कमिश्नर में नॉन पेमेंट कंप्लेंट का दर्ज कराया, उसके बाद काउंसलिंग होने के बाद प्रीवियस पेमेंट का साथ उनको दिया हुआ और उनको ही रिटर्न लेना पड़ा। ऐसी कार्य भी हम लोग किया, जैसे जैसे हमारा विषय आता है उस तरह हम लोग टेकअप करते, जैसे आपके पास में विषय आता है उसको आप लोग वैसे में टेकअप करते। मुझे और एक चीज बताइए, सीआईटीयू कोर्ट के दरवाजे की तरफ पहुंच गया, बीएमएस क्यों पीछे रह गया? किस वजह से? कहीं सीआईटीयू शायद ले ना ले ले, या तो आपको लगा था कि पूरा मामला हाथ से निकल जाएगा, किस वजह से थी, कौन सा ऐसा बड़ा वजह था कि बीएमएस को अपने कदम पीछे हटाने पड़े कि ये सीआईटीयू पूरा का पूरा क्रेडिट ले ले? क्योंकि कोर्ट का जो ऑर्डर निकला, अंडमान सार्वजनिक निर्माण विभाग मजदूर संघ का जो वर्सेस है वो एचएलजी के साथ में हुआ था, उसमें कहीं भी पूरा बीएमएस का नाम नहीं है, किसी और संगठन का नहीं है, तो बीएमएस क्यों पीछे रह गई थी इसमें? बीएमएस उसमें पीछे रहने की बात विषय था कि हम अपना पहला सीधा सीधा जो है कोर्ट के माध्यम से हमने नहीं किया, हमने हर विषय को जो है करस्पोंडेंस किया गया, उसके लिए जो भी टेबल टू टेबल जो डिस्कशन। नहीं, आपको लग नहीं रहा सर टेबल टू टेबल सिटिंग का वक्त बहुत ज्यादा लंबा हो गया था? 1988 का जो ऑर्डर था उसको तक इंप्लीमेंट नहीं किया गया, जो कोर्ट के ऑर्डर आ रहे थे उसको प्रशासन धज्जियां उड़ा रहा था उसका, उसके बाद भी टेबल सिटिंग बिल्कुल सही लग रहा था। आपको नहीं लगता कि 2014 से पहले जो परिस्थिति थी, अगर आप उस पर और थोड़ा सा पीछे चला जाए, 1988 का ऑर्डर, 2014 से पहले का सरकार और उनकी उसमें भागीदारी, सारे चीज रहते हुए उस दिन वो नहीं कर पाए। 2014 के बाद आज जब सरकार एक राष्ट्रहित के हिसाब से कार्य कर रहा, उस समय जब हमने भी अपने प्रस्ताव रखे, क्योंकि 2017 में जिस दिन ये चीज लागू हुआ 289, उस समय से देने के लिए हमने भी अनुरोध किया, उस विषय पर सरकार ने भी माने, और उसके बाद में क्योंकि कोर्ट से केस जीतना, कोर्ट ने प्रेजेंटेशन क्या कर रहा है, प्रशासन की तरफ से उन्होंने अपना जो प्रस्ताव रखा उसके आधार पर वो चीज किया गया, तो प्रस्ताव रखा गया तब जाकर इसमें एक निर्णय पहुंचा। अगर दोनों तरफ से रस्साकसी होता तो शायद एक निर्णय भी नहीं पहुंच पाता। आप कह रहे हैं कि आप बैठ के अगर हल निकाला जाए तो अच्छे से निकल सकता था, ऐसे हड़बड़ा के कोर्ट जाने की जरूरत नहीं थी किसी का, उसमें जो है एक नहीं होगा, रस्सा कसी नहीं होगी, बैठ के हो सकता है। मैं बहुत आसान शब्दों में पूछूंगा सर, क्योंकि कहीं हजार लोग इसको देखेंगे, क्योंकि लास्ट जो हमारा इंटरव्यू हुआ था कहीं हजारों में गया था और लोगों के पर्सनल मुझे कॉल भी आ गए थे, तो मैं चाहूंगा भारतीय मजदूर संघ खुद अपनी जबानी बोल दे कि जो अंडमान निकोबार में डीआरएम के स्टाफ काम करे, जितने भी डीआरएम है, जो जो डिपार्टमेंट के हैं, वो पीडब्ल्यूडी हो गया, मेडिकल हो गया, बड़े बड़े डिपार्टमेंट, कॉन्ट्रैक्ट में जितने स्टाफ काम कर रहे हैं, प्राइवेट टीचर्स जिसको हमेशा अनदेखा कर दिया जाता है, जिनको किसी स्किल में रखा भी नहीं जाता है, ये बड़ी मजेदार बात है, उनके बारे में कोई सोचता भी नहीं है, जिनके साथ में बहुत ज्यादती होती है, सिक्योरिटी गार्ड, इनके लिए आप आज के दिन को अगर छोड़ दें तो बड़ा कदम क्या उठाने वाले हैं? आज घोषणा करता हूं आपका माध्यम से, उन तमाम लोग मेरे पास आए नहीं आए, हम आने वाला जो
2023 का शुरुआत महीने में भी उस पर पूरा डाटा लेंगे, कहाँ कहाँ कितना संख्या है हर स्तर पर, उस संख्या में उसके लिए कैसे करने से उचित रहेंगे उसका पहले फर्स्ट प्रायोरिटी में वार्तालाप और उसके बाद करस्पॉन्डेंस करके, अगर जो समय कम से कम एक तीन महीना तो इतना बड़ा कार्य करना तो देना होगा, अगर इस तीन महीना में उसका पॉजिटिव नतीजा अंडमान प्रशासन से नहीं आएगा तो हम लोग एक भव्य कार्यक्रम ऐसी कार्यक्रम यानी कि हमारा ऑल इंडिया अधिवेशन जो अप्रैल 27, 28, 29 का जो पटना में होने जा रहा है उससे पहले जो है अंडमान में एक ऐसी शक्ति प्रदर्शन करेगी इन तमाम मुद्दा लेके और उन तमाम को जमीनी स्तर पर भीड़ लाएंगे और जताएंगे कि इनको परेशानी है, काम करता है करके दिखना भी जरूरी है, छुपा के करे तो ना हो। मेरे दो सवाल है सर इसमें, सिर्फ आप इतना बताइए भविष्य में डीआरएम का पोस्ट निकलना है या नहीं निकलना है? मैं तो बोलूंगा जो अभी तक जैसे हमारा बीजू जी ने कहा अब तक जितना भी वो कॉन्ट्रैक्टर वो डीआरएम वो जो भी वो वंस टाइम रिलैक्सेशन देके सबका सब परमानेंट होने के बाद आप एक ऐसी पॉलिसी बनाए ताकि जो भी सर्विस में आएगा उनका सुरक्षा बने रहे, उनका सोशल सिक्योरिटी बने रहे और उसका भविष्य में कोई डर ना रहे, हमारा नौकरी रहे ना हरे, ऐसी पॉलिसी बने, सुरक्षा का कदम है जो है सर्विस कमीशन। मैं समझ गया सुरक्षा, इसी से विषय मेरा एक जुड़ा हुआ प्रश्न है। अंडमान निकोबार प्रशासन कहती है कि उनके पास 12 से 13,000 पद खाली पड़े हुए हैं, खाली पद है, वैकेंट पोस्ट है। अगर हम मान भी ले पीडब्ल्यूडी के 4,000 जो लोग डीआरएम में काम कर रहे हैं, मैं सिर्फ उनका बात कर रहा हूं अभी, बाकी के तो फिर डाटा आएंगे वो अलग समस्या है, अगर वो 4,000 को ही परमानेंट कर दे जिस तरह आपने बताया कि डीआरएम को वैकेंट अगेंट पोस्ट के अगर ले ले तो यहीं पर आपका तो 8,000 हो गया, 4,000 पोस्ट तो ऑलरेडी निकल चुके हैं तो पोस्ट तो बचेगा नहीं, और बाकी डिपार्टमेंट के भी डीआरएम को ऐसे ही परमानेंट करता रहा या तो कॉन्ट्रैक्ट को करता रहा, मेरे ख्याल से 2-3 हज़ार पोस्ट ही बचेंगे। तो पुराने जो लोग चढ़े थे वो कोई एग्जाम से तो नहीं चढ़े थे, वो अपने जान पहचान में चढ़े थे या तो उस वक्त में लोगों की भर्ती की बहुत जरूरत थी, तो नए बच्चों के ऊपर ये जुल्म क्यों किया जा रहा है? नए बच्चे तो चाहते कि कॉम्पिटिशन में आए, एग्जाम हो, ट्रू फैक्ट हो और बराबर उनको नौकरी मिल जाए, तो आपको नहीं लग रहा है यहाँ पे अन्याय कहीं हो रहा है नए लोगों के साथ में? इनको तो हम अन्याय नहीं कहेंगे क्योंकि जैसे समय बदलता है, टेक्नोलॉजी बदलता है, जो नीति भी बदलता है और जो आने वाला जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को लीड करने के लिए मिनिमम जो स्टैंडर्ड एजुकेशन है वो तो जरूरी है, क्योंकि आज हर एक व्यक्ति कम से कम कुछ एक सिक्योरिटी भी है, कौन आता है कौन जाता है लिखना तो जानना है, कोई चीज आता है उसको सुरक्षित रखने के लिए भी सब तो रखना पड़ता है, उस समझते हुए एक मिनिमम एजुकेशन का जो 10वीं क्लास है लिया गया, जैसे आपने कहा उस वक्त 8वीं क्लास पढ़ने वाले हेडमास्टर भी बना हुआ तो वो मानते हुए, लेकिन जैसे समय बदलता देश बदलता उसी का अनुकूल जो है हमारा नीति भी बदलता है, तो उससे आज हमारा बच्चे को पैदा भी हो रहा है। हम आपको एक विषय बताएंगे क्योंकि कॉम्पिटिशन एग्जाम में पहले रिकमेंडेशन में हुआ करता था, आज गरीब गरीब घर का बच्चा भी जो है अपना टैलेंट पर आगे आके कई कार्यालय में काम करते हैं क्योंकि उनको कॉम्पिटिटिव का मौका मिल रहा है। मेरा सवाल वही है सर, अगर आप कॉम्पिटिटिव का मौका ही हटा दे और आप कह रहे हैं किसी ने 10 साल कर लिया 15 साल कर लिया और उसको परमानेंट कर दे तो जो बच्चा कॉम्पिटिटिव में आ रहा है उसका नुकसान नहीं हो रहा है? आपका प्रश्न पहले ही जवाब दे दिया क्योंकि वन टाइम क्योंकि कोई भी हालत में वो आप लिया नहीं, मैं बिल्कुल आपकी बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ। छोड़ के आगे जो है सर, आप जैसे बोला उस पर जी मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ सर कि आप कह रहे हैं कि एक बार सिर्फ उनको रिलैक्सेशन दे दे और आगे से कभी ये चीज रिपीट ना हो, लेकिन मेरा प्रश्न उसी के अंदर छुपा हुआ है कि 13,000 पोस्ट में अगर 5-6 हज़ार पोस्ट आप इसी में वन टाइम रिलैक्सेशन दे दे तो बचेगा 3-4 हज़ार पोस्ट बचेगा, उसमें उन बच्चों की क्या गलती होगी? आपने जो 13,000 पोस्ट कहा, एक्चुअली पोस्ट का जो फिलअप अगर आप ऑल टोटल ले रहे हैं 4 से 8 हज़ार आपने पीडब्ल्यूडी बता दिया, लेकिन ये जो 8,000 पीडब्ल्यूडी का जो है ये पीडब्ल्यूडी का जो पोस्ट है उसके अगेंस्ट ही उनका फिलअप होगा। बिल्कुल बिल्कुल मैं वही बोल रहा हूँ जी। एक मिनट, आपने क्योंकि पूरा 13,000 जो पोस्ट है वो एंटायर एडमिनिस्ट्रेशन का है, लेकिन यहाँ अभी एक एग्जाम्पल आपने जो पीडब्ल्यूडी का बताया उसमें 4,000 से ज्यादा सिर्फ पीडब्ल्यूडी का है और वहाँ वैकेंसी भी 4,000 से कम भी हो तो उसका सॉल्यूशन के लिए ही हमने अपने तरफ से जून 2022 को माननीय उपराज्यपाल जी को एक पत्र सौंपा जिसमें कई बार से हमने अनुरोध किया था कि आप एक पॉलिसी बनाइए, एक स्कीम बनाइए, नहीं बनाया तो हमने विभिन्न प्रदेशों में जो स्तर पे हो रहा था उस पे जो है एक नोटिफिकेशन ड्राफ्ट हमने सबमिट किया जिसमें ये सारे चीजों कवरेज करते हुए लास्ट ऑप्शन आता है सुपर न्यूमररी पोस्ट का, कम से कम उसके तहत उनको रेगुलराइज करके समाप्त किया जाए।
और ये गौरवधंधा आगे ना चले, हर नए अधिकारी आते हैं वो अपने पहचान के दो लोगों को ले लेते हैं, ये चीज और आगे ना चले। सर मैं इसमें एक चीज आपको रोकना चाहूंगा, मान लेते हैं कि हो जाए, आपने हाल बहुत अच्छा बताया कि ये चीज हो जाए, मैं इसमें बढ़ के और एक चीज कहता हूं कि मान लीजिए वैकेंसी जल्दी आ जाए, क्योंकि जो प्रधानमंत्री मोदी जी है उन्होंने कहा कि 23 के अंत होते होते वैकेंसी फिलअप हो जाना चाहिए, पूरे हिंदुस्तान में 10 लाख जो भर्तियां कंप्लीट हो जानी चाहिए, और मान के चलते 13,000 भी उसमें शामिल हो जाए। तो मैं कहता हूं कि अगर ऐसा हो जाए कि ये भर्तियों का प्रोसेस जो है वो शुरू हो गया और 4,000 जो DRM काम कर रहे हैं, 2,600 के आसपास हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं, ये जो वैकेंट पोस्ट को बता रहा हूं, तो उस वक्त में इन DRMs की जिंदगी क्या होगी? वैकेंसी आ गया, बच्चे ने कॉम्पिटेटिव एग्जाम दिया और वो तो उस पद के लिए एलिजिबल हो गया, तो उसी पद में और एक DRM काम कर रहा है, एक कॉन्ट्रैक्ट स्टाफ काम कर रहे हैं, उसकी परिस्थिति क्या होगी, उसका हल क्या होगा? उसी लिए मैंने ये मैं अभी की परिस्थिति बताऊं, क्योंकि इसमें वक्त लगेगा। नहीं नहीं, वक्त नहीं, इसमें अगर मन रख दे तो इसमें वक्त नहीं लगेगा, इसीलिए हमने अभी माननीय डॉक्टर मुरुगन जी के समक्ष भी सारे विषय को विस्तार से पूरा चर्चा हुआ, उन्होंने भी उनका भी हम बहुत ज्यादा आभारी है कि उन्होंने बहुत समय हमारे लिए दिया, सारे विषय को उन्होंने सुना, सारे चीज को रखने का हमें भी मौका मिला, और उन्होंने ये अश्योर करके कि अगले दौरे में जब मैं आऊंगा तो इसको पूरा रिव्यू करूंगा, तो इसीलिए हमें पूर्ण विश्वास है आज कि हमने जो जो कदम उठाए थे कि हमारा पूरा करस्पोंडेंस देखे वो खुद आश्चर्य, आप इतना सारा काम करके आज रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा हमारा, वो तो अब आपका है। कितना समय लग सकता है सर इसमें? हम ये मैक्सिमम ले रहे हैं कि 3 महीना, क्योंकि 2023 और हम आगे खींच नहीं सकते, क्योंकि मार्च के मतलब आपके हिसाब से मार्च के अंत में हो जाना चाहिए, 100% होना चाहिए, ये हमारा लक्ष्य लेकर हम कार्य करें। कारण क्या है कि पिछले दिनों शायद सितंबर या अक्टूबर में 3 केस ऐसे आए जिनका 60 साल हो गया, सुपर एनुएट होकर चला गया और 1 रुपया नहीं मिला। अच्छा। उनको उनके दोस्त घर ले गए, चाय पिला के छोड़ गया। बड़ी दुखद बात है, बड़ी दुखद बात है कि जब तक उनका दर्द हम नहीं समझेंगे हम किसी के लिए कुछ भी करके कोई फायदा नहीं है। लेकिन हम ऑन रिकॉर्ड ये बोल रहे हैं सर, आपने कहा 3 महीने, 4th महीने की 1 तारीख को हम आपके पास कैमरा लेके पहुंच जाएंगे, पहले आप हमारे पास आएंगे। जरूर जरूर जरूर। तो सर हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि आपने जीपन अस्पताल का आपने दौरा तक किया होगा, वहाँ पर आप देखिए वहाँ पर एक भी वहाँ पर जो है सिक्योरिटी गार्ड्स नहीं है, आखिर ऐसा क्यों? आपको ये पता होगा इससे पहले जो सिक्योरिटी गार्ड्स वहाँ पर थे उन लोगों को जो है ट्रीटमेंट नहीं मिला था, सिक्योरिटी उन लोगों को नहीं मिला था, और आज जीपन अस्पताल में इतनी सारी चोरियाँ वहाँ पर हो रही है, उसके कारण लोग वहाँ पर काफी परेशान हैं। आपको क्या लगता है वहाँ पर लोगों का अपॉइंट करना चाहिए कि नहीं चाहिए? देखिए सूर्य, अभी आपने एक पहला सवाल जो रखा वहाँ पे नहीं है, और उस पर हमारा दायित्व तो नहीं बनता है कोई भी वक्तव्य देने का, हमारा जो अपना सर है, अपना जो बाउंडिंग्स है उसके अंदर रहकर हम अपना विषय करते हैं। हाँ, एक सवाल तो मैं उसमें आपका कि उनको सैलरी नहीं मिला, इस मुद्दे पे हमने जाकर चर्चा किए थे, तो उन्होंने अभी नया जो जितने भी अभी नया जो टेंडर कर रहे हैं उसमें ये चीज़ उन्होंने क्लियर कर दिया कि उनका यहाँ पे स्थानीय कार्यालय जब तक सेटअप नहीं होगा MOU साइन नहीं करेंगे, क्योंकि सारे विषय हमारे संज्ञान में, हम लोग भी पहुँच रहे हर जगह, लेकिन बस इतनी है कि हम उसको प्रोपोगेट नहीं कर रहे, काम हर जगह चल रहा है, क्योंकि वहाँ पे CMO से बात होता है, उन्होंने कहा कि अगला अभी जो होने जा रहा है ये हो गया करके, उनका इवन जो सिक्योरिटी डिपॉजिट था उसमें से बहुत जन का सैलरी क्लियर किए, EPF का भी सेटल कर रहा है, केसेस बना रहे, तो ये सारी चीज़ को हो रहा है, लेकिन क्यों नहीं दे रहे सिक्योरिटी वाले उस पर हमारा कोई कमेंट्स नहीं। ठीक है, हम इसी के ऊपर और भी हम दो बात आपसे पूछते हैं कि हमेशा जो है इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट वालों के साथ रोड पर खड़े रहती है CITU और APWD डिपार्टमेंट के जितने भी DRM वर्कर्स हैं उनके साथ खड़े रहती है CITU, आखिर वहाँ पर आप लोग क्यों नहीं खड़े रहते? लोग वहाँ पर झंडा लेकर खड़े रहते हैं, लोग वहाँ पर ह्यूज क्वांटिटी में लोग अपना कहीं से भी लोग लेकर आकर उन लोगों का प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, तो वहाँ पर आप लोग क्यों नहीं रहते, ये हम कहना चाहते हैं। इसमें एक वक्त देते हुए मैं आगे बैक टू बैक जो है सी ऑफिस के सामने, स्टोर के सामने जो है उन लोगों ने धरना प्रदर्शन किया, लेकिन वहां पर कहीं भी आप लोग दिखाई नहीं। लेकिन हम आपको ये बता दें, आपकी जो पैरा अंडमान निकोबार पैरा वेटनरी जो है उन लोगों ने अभी बीच में एक धरना किया था जो न्यूज हमने कवर किया था, लेकिन इसके विषय में आप लोग जो PWD के और LCD वाले हैं उनके सपोर्ट में आप लोग क्यों नहीं उतर रहे हैं? जरूरी नहीं है कोई भी कार्य करने के लिए आप प्रदर्शन करने से ही आपका कार्य होगा। आप मैं स्टार्टिंग से ही आप सभी के जितने भी सवाल आए उसमें मैंने यही कहा कि हमें अपना पत्राचार, हमें अपना जो सामने के जो अधिकारी उनका सम्मान रखते हुए ही हर कार्य करना है, और कार्य हमका बेटर हो रहा था। अब प्रदर्शन नहीं किए
तो हम कार्य नहीं कर रहे या हम उनका साथ नहीं दे रहे, ऐसा नहीं है। आप पीडब्ल्यूडी से किसी भी एम्प्लॉय से जाकर पूछ के देख लीजिए। हम आपको एक चीज ग्राउंड बताते हैं, हम एलफ्रीड डिपार्टमेंट, पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट, हम खुद जाकर वहां पर कई लोगों से हमने बात की है, वो लोग कह रहे हैं कि हम सीआईटीयू के समर्थक, उस संदर्भ में हम उसके समर्थक हैं और हम उन्हीं के साथ रहेंगे। आखिर क्यों उनकी जुबान पर बीएमएस का नाम नहीं आ रहा है? रोहित जी, उस संदर्भ में मैं आपको जवाब दूंगा। जैसे जैसे हमारा पास विषय आता, जैसे हाल ही में आपका एनिम्स का जो सामने धरना प्रदर्शन के ले लीजिए, वेटनरी का सामने आप खुद एग्जाम्पल है, उतना बड़ा अधिकारी को हम लोग कैसे एक किया, उसका पूरा शाम को जो है पूरा प्रदर्शन करके जहाँ जहाँ होता। लेकिन कभी कभी ऐसे भी होता, उसका उल्टा परिणाम भी निकलता, उसका उल्टा परिणाम एक मात्रा में एग्जाम्पल दूंगा, जो पीडब्ल्यू का एम्प्लॉयज को जब एडमिनिस्ट्रेशन का पास संख्या जब गया, उसमें सरप्लस आया था और इलेक्ट्रिसिटी विभाग ने मांग किया कि हमारा स्टाफ कमी है, हमको स्टाफ मांगता, तो नया स्टाफ का जगह में एग्जिस्टिंग एपीडब्ल्यूडी का ही कर्मचारी को जो है इलेक्ट्रिसिटी में सौंपा गया, आपको याद होगा अच्छा तरह। लेकिन उस वक्त सौंपने टाइम अच्छा पॉलिसी बने, एक गाइडलाइंस बने और उनको सही तरीके से अगर सौंपना था सौंपना था, लेकिन नहीं सौंपना हम बोलेंगे, क्योंकि वो यहाँ में इतना साल काम किया हुआ है, अपना समय दिया है और सारा काम यहाँ से सीखा ग्राउंड लेवल का। और इलेक्ट्रिसिटी का एपीडब्ल्यू का विपरीत काम है, क्योंकि वहाँ में करंट में कंबा चढ़ना होता, लाइन खींचना होता, गड्ढा कूदना होता, सीढ़ी लेके जाना पड़ता और जो है सर्विस कनेक्शन देना होता। तो आज उसका विपरीत परिणाम क्या रहा, हाल ही में आप परमानाला में एक इंस्टेंट, मतलब अनजान में बच्चा भी जल्दबाजी में काम करने के चक्कर में एक्सटेंड हो जाता है। नहीं, मेरा समय जल्दबाजी नीति देखिए, अब वो काम कर रहे हैं वहाँ के जो बडलाइन के जो साइट ऑफिस है, तो वहाँ पर जो है मेन जो रहते हैं वो जई है, तो उन्हें मतलब जई नहीं उससे परमिशन दिया था और वो जाकर उसके साथ में दो पीडब्ल्यूडी के डीआरएम भी थे, उसे हाई टेंशन लाइन में उसे चढ़ाया गया था, उसके कारण आज उसकी ये हालत है कि वो चेन्नई हॉस्पिटल में जो है वो भर्ती है और उसकी कंडीशन बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। मैं उसी लाइन में आ रहा है, एक तो उनको यहाँ से अभी आप इतना साल सर्विस करने के बाद आप वहाँ में जबरन अपना गलत नीति के चलते दूसरा विभाग में दे दिया, उस विभाग के लिए वो नहीं आया। आज आपको मतलब मैं क्यों इलेक्ट्रिसिटी का एम्प्लॉय होने के नाते और मेरा दायित्व बनता, मैं दुखिया, मेरा अच्छा नहीं लगता वहाँ में ना, आज यहाँ का ना वहाँ का उसका किस में माना जाए। आज आप डाटा चाहे तो मेरे एससी से ई से कंसल्ट ले सकता और दो तीन महीने के बाद एक वर्ष सैलरी मिल रही, अगर यही जगह पीडब्ल्यू में होने से उसका महीना और सीनियरिटी काउंट हुआ जाता था, ताकि ज़्यादा एग्रेसिव होकर धरना प्रदर्शन में भी ज़्यादा जाने से पॉजिटिव का जगह में नेगेटिव विषय भी आता। मुझे जो मिला, मैं आपका प्रश्न का सही जवाब दिया, मैं ऐसी समझ रहा हूँ। मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ, जैसे आपने अभी जो इलेक्ट्रिसिटी का जिस बंदे को चोट लगी थी उसके बारे में आपने जो जिक्र किया, तो आपने उनका सपोर्ट किया, आपने आप जाकर उनसे मिले थे जब वो अस्पताल में भर्ती थे, आप जाकर उनसे मिले थे? आप जैसे पता चला, मैं कोई भी हो मैं तुरंत चले जाता हॉस्पिटल, है मेरा आपका मालूम है हमेशा हम हॉस्पिटल में दिखाई देगा, जाने अनजाने कोई भी होने से सुनते साथ में उसमें पहुंचता हूँ। जैसे किया उनका रिश्तेदार से मुलाकात हुआ, उसके बाद हमारा जेई बटलैन का राजन जी जो बुलाया और वहाँ का स्टाफ जो ऑफिस स्टाफ साहू ये सब आया था, आके वार्तालाप हुआ। वार्तालाप होने के बाद जेई ने अपना इंटरेस्ट है उसका एनएम स्कीम में जो है, सिर्फ एनएम स्कीम में ट्रीटमेंट का मिलेगा, लेकिन उसका टिकट, उनका रिश्तेदार का टिकट पूरा जेई ने अपना वॉलंटरली दे के फिर हम लोग समझा के उसको लेके जाके आज जो है चेन्नई में उसका इलाज हो रहा है, तुरंत जो है हम लोग अपना कार्य कर रहा है। जैसे हमारा संगीन माता हर जगह उसका लावा भी हमारा एक्टिविटी। आपको क्या लग रहा है उस जेई ने जो है वो सही काम किया? क्योंकि देखिए एक अनस्किल वर्कर को वो स्किल काम वो करा दे, क्योंकि वहाँ पर परमानेंट स्टाफ नहीं है, वहाँ पर लाइनमैन नहीं है, इवन उनके निगरानी में इन्हें काम कराना चाहिए। और जो डीआरएम वर्कर्स है लोग 100 दिन के रोजगार वाले हैं, तो इनका काम है गड्ढा खोदना, सीढ़ी उठाना, इनका काम है मीटर रीडिंग करना, क्या इन्हें हाई टेंशन लाइन में चढ़ाया जाता है? आखिर उसकी मौत हो सकती थी वहाँ पर, ये आप तो आप इसके ऊपर जो है वो जो भी जई है जैसा आपने नाम लिया, क्या इसके ऊपर आप कार्रवाई नहीं करेंगे? कार्रवाई करने के लिए तो जरूरी है, लेकिन जब आप मानवीय आधार पर, आज एक के साथ हुआ है कल और भी कुछ बड़ा हो सकता है, मानवीय आधार पर उन्होंने वॉलंटरली अपना धर्म निभाया, जो अनएक्सपेक्टेड घटना घट गया
मैं इसीलिए बोल रहा है, अपना एक गलत नीति का चलते हम अपना ट्रेड यूनियन को नाम कमाने के लिए गलत पॉलिसी का तहत हम जो है बच्चों को एलसीटी में धकेल दिया। तो आज उनका दोष नहीं हुआ, काम नहीं सीखा, क्योंकि इधर का काम उधर का काम डिफरेंट था। तो उनको जेई ने सोचा नहीं होगा लाइन चालू है, लेकिन सामग्री दे के आ जाओ करके सीढ़ी चढ़ने के लिए बोला होगा, लेकिन अनएक्सपेक्टेड लाइन जो है टेक्निकल विषय बंद नहीं होएगा, उसका घटना घट गया। लेकिन इन फ्यूचर ऐसी ना हो, मेरा विदाउट इक्विपमेंट्स का वो लोगों को जो है काम पर भेजते हैं, तो आखिर इसमें गलती किसकी है, ये चीज आप बताइए सर। गलती विभाग का अधिकारी का ही होता है, तो इसलिए आगे कम से कम आपका माध्यम से मैं डिपार्टमेंट का होते हुए मैं डिपार्टमेंट के अधिकारी को सलाह और डिमांड भी करता हूँ, जो भी एक्सपोर्ट का साथ ही काम लिया जाए, अगर काम लेने से भी जैसे सिक्योरिटी इक्विपमेंट होता आज के दिन में लेटेस्ट होना चाहिए, और एक लिफ्ट गाड़ी भी, यानी कि म्यूनिसिपल में जैसे लिफ्ट गाड़ी होता है सीधा कंबा का एंड में चले जाता है, ऐसी तुरंत परचेज करें ताकि इस तरह घटना ना घटे और आगे ऐसी होगा। आप बिना बोले हम सब पहले हुआ खड़ा रहेगा, आपका आज आश्वासन देना। ठीक है सर, मेरा एक आखिरी सवाल है सर, इसके बाद मैं अपनी बात को विराम देना चाहूंगा। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कोई भी फैसला, कोई भी पत्ती की हलचल बिना केंद्र सरकार की मर्जी के नहीं हो सकती, केंद्र सरकार के सीधे अधीन आता है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, जो हमारा केंद्र शासित प्रदेश है। अब जो बीएमएस है, मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था, भारतीय मजदूर संघ, ये सीधे सीधे कनेक्ट है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से, परिवार का एक हिस्सा है, संघ परिवार का हिस्सा है, मैं गलत तो नहीं हूं ना सर? नहीं, एकदम है, संघ परिवार का एक हिस्सा आता है भारतीय मजदूर संघ, और अनऑफिशियली भारतीय मजदूर संघ के बाद संघ परिवार आता है, और संघ परिवार के कई लोग वहीं से निकलकर बीजेपी पार्टी में जाते हैं, ये इत्तेफाक भी बोल सकते हैं, या तो आप बोल सकते हैं कि ये करिश्मा ही है कि अक्सर लोग जो है भाजपा में जाते हैं। जब ये पूरा चेन बना हुआ है, भारतीय मजदूर संघ, आरएसएस, उसके बाद बीजेपी, और बैठी सरकार केंद्र में बीजेपी है, तो अंडमान के मजदूरों का भला क्यों नहीं हो सकता सर? इतना पत्राचार, इतने एडमिनिस्ट्रेशन के साथ बातचीत, इतनी सारी चीजों में वक्त जाया क्यों करना? सीधे सीधे केंद्र सरकार को बता दे, और एक सही नियम, सही फैसला, सही कानून अंडमान के मजदूरों के लिए क्यों नहीं बनाया जा सकता? आपका मालूम है सरकार बदला, तंत्र तो वही है, क्योंकि आप जिस जैसे कहा आपका मालूम है, और www.bms.com में सारा विषय है, हम संघ परिवार का जो अनुसंगन संगठन है उसी में आता है, और जैसे आपने कहा एक संगठन में अगर दायित्व में रहता है, जब तक दूसरा संगठन में आपको बेचता है, इस दायित्व को मुक्त करके दूसरा संगठन में दे रहा है, अगर ऐसी लगता है कि आपका भाजपा में जरूरत है तो समय समय में स्थानांतर होता है, बदलता है, लेकिन यहाँ का दायित्व मुक्त करके जा रहा है। लेकिन हम सब वार्तालाप करता है, हमारा हाल ही में जो रिजेंट अधिवेशन में जो हमारा केंद्रीय अधिकारी संगठन मंत्री माननीय सुरेंद्र जी आया था, क्षेत्रीय प्रभारी मिश्रा जी भी आया था, हम सारा विषय रखता, लेकिन यहाँ का जो ब्यूरोक्रेसी जो है, यहाँ का विषय को पॉजिटिवली नोट के माध्यम से ऊपर नहीं भेजने का कारण ही जो है, नहीं वो भेजने की जरूरत नहीं होगी ना सर। मैं क्या बोल रहा हूँ, जो भारतीय मजदूर संघ है इसका कनेक्शन आरएसएस से है, आरएसएस का बीजेपी से, तो सीधे वार्तालाप क्यों नहीं हो सकते, ओवर द फोन क्यों नहीं बात होती? तंत्र ला के संघ नियम ला के, सरकार तंत्र में संघ कभी इंटरफेयर नहीं करता। मैं क्या बोला, बीजेपी के लोगों का संघ के साथ जुड़ा हुआ है, अनऑफिशियली मैं बार बार बोलूंगा अनऑफिशियली जुड़ा हुआ है, और उसके बाद वो लोग भाजपा में जाते हैं, तो वो एक तो अपने अंदर में एक रहता है ना, मैं उस संघ का हिस्सा था, आज आप भारतीय मजदूर संघ से बाहर निकल जाए तो इसका मतलब नहीं कि वो जो प्रेम है वो खत्म हो जाए, आपका वो जुड़ाव हमेशा जुड़ा रहेगा। तो वहां से अगर मान लीजिए, मैं एग्जांपल के लिए बोल रहा हूं, मान लीजिए आप भारतीय मजदूर संघ से उसके बाद संघ परिवार का हिस्सा बन गए, उसके बाद बीजेपी में गए, तो क्या आप मजदूर के लिए काम करना छोड़ देंगे? आप अच्छे से जानते हैं मजदूरों की परेशानी क्या है, जो एसी कमरे में बैठे हुए अफसर नहीं जानते, तो ये सीधा वार्तालाप करके एक ही बार में सारे मुद्दे का हल क्यों नहीं निकाल देते? इतना बड़ा एक तंत्र, इतना बड़ा प्रशासन के थ्रू में जाना, और उसके बाद फिर नेगेटिव रिस्पॉन्स होना कि अभी नहीं हो पाएगा। आपका पिछले 7-8 साल में अंडमान का जो डेवलपमेंट है, खास करके आईएएस और ब्यूरोक्रेसी जो दानिक साथ है, उसका रवैये का चलते हर संगठन ने अपना अपना लेवल में एक एलजी का ट्रांस इधर से भेजने के विषय होने दीजिए, प्रीवियस सीएस को भेजने के विषय होने दीजिए, अपना आईएएस को भेजने के विषय, थर थर पर धरना हुआ, प्रदर्शन हुआ, आपको मालूम है। उसका बावजूद भी कैडर में कहीं ना कहीं उसका दबदबाव के चलते आज जो प्रीवियस सीएस का जो हाल ही का एग्जाम्पल आपको देता हूँ, क्योंकि आप क्या सोचते हैं यहाँ का लोग विरोध नहीं किया, यहाँ का लोग क्या प्रदर्शन नहीं किया? किया, लेकिन उसका जब ऊपर लेवल में उससे ज्यादा प्रभाव होता, उसी का नतीजा आज जो है भुगत रहा है। तो मैं वर्तमान अधिकारी को भी यही बताऊंगा, जो पॉलिसी डिसीजन है जो केंद्र सरकार को आप बोलना चाहता है वो पैक्ट भेजिए,
ताकि केंद्र सरकार को भी पॉलिसी में निर्णय लेने में आसान हो। प्रशासन आपका जो है अंडमान मजदूर जगत को भी मेरी एक बात सिर्फ, प्रशासन आपकी बात सुनती है या नहीं सुनती है? विषय आने से जरूर सुनते हैं, हम जब समय मांगता है जाता है मिलते हैं। और केंद्र मंत्री आपकी बातों को सुनते हैं कि सुन के अनसुना कर देते हैं? नहीं नहीं, आज आपका एग्जाम्पल है हमारा डॉक्टर मुर्गन जी, ठीक है, बढ़िया समय दिया और वो दोबारा रिव्यू भी करेंगे अपने बताया। सर अंत में सिर्फ हमारे दर्शकों को बता दीजिए जो काफी तादाद में आपको देखेंगे, उनसे आप क्या कहना चाहेंगे? ये पूरा सीआईटीयू का मामला और जो वादे आप लोगों ने किए, 3 महीने का वादा भी रह गया है और उसमें कई वादे थे, इसमें अंत में दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे हमारे दीपवासियों को? मैं आपका माध्यम से आज का इस प्रेस वार्तालाप का जरिए हम पूरा अंडमान मजदूर जगत और वर्किंग क्लास पीपल से अपील करता हूँ, आप जहाँ भी पीड़ित है आप तुरंत हमारा यूनिट का और प्रदेश का और जो है नॉन इंडस्ट्रियल में जो काम कर राज्य सरकारी महासंघ का अधिकारी से संपर्क में आए। और आप अकेले नहीं, आपका पीछे पूरा प्रदेश भारतीय मजदूर संघ उसका तमाम यूनिट है, इसलिए जहाँ भी आप पीड़ित होता है वंचित होता आप तुरंत हमसे संपर्क करिए। अगर कोई नहीं है आपका दूसरा एंगल में भी आ सकता, अगर मेरा अपना अधिकारी लोगों का नजर में आएंगे हम लोग जहाँ जहाँ जरूरत पड़ेगा हम लोग पहुँचेंगे। और आपका मालूम है इसके अलावा भी हम लोग जो पारिवारिक रिश्ता निभाता है सिर्फ ट्रेड यूनियन नहीं, उनका सुख में दुख में सब में हम लोग मार्केट में आपको दिखाई देगा। इसलिए आज आपका माध्यम से और पूरा चैनल का माध्यम से आश्वासन देता, जहाँ जहाँ भारतीय मजदूर संघ का जो वर्किंग क्लास पीपल के लिए जरूरत पड़ेगा वहाँ वहाँ उपस्थित होगा। ये आपका माध्यम से मैं अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह का वर्किंग क्लास पीपल के लिए आश्वासन देता हूँ। ये आश्वासन नहीं है, मैं गौरव मानता है, ये मेरा सम्मान मानता है कि उसका सेवा करना, क्योंकि ऐसे हमें ट्रेनिंग मिलता है, ऐसे हमको दायित्व दिया जाता है ये सेवा भावना से काम करने के लिए। इसलिए आप सबको पुनः धन्यवाद अभिनंदन, आपने इतना बढ़िया शांतिपूर्ण तरीका से एक का बात एक ने अपना विषय को लिया और हम समझता है कि हम आपका विषय को जितना तक न्याय करना तक किया और भविष्य में भी आपका हमारा रिलेशन ऐसे बने रहे, इसका साथ मैं और एक बार धन्यवाद देता हूँ। बहुत बहुत जय हिंद, भारत माता की जय।